से हमारे साथ शांति लाल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शांति लाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नेटवर्क के बारे में है, नेटवेब, और कितने समय के लिए लिया था आपने? लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज का शेयर है इनके पास, ये हम करेक्ट इसको चला देते हैं। 220 शेयर्स 946 पर लिया हुआ था, मुनाफा हो रहा है, 1200 के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है नेटवेब टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो। अविनाश जी आप सलाह दीजिए क्या करें, बने रहने की राय देंगे स्टॉक में? नहीं बिल्कुल पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज ये सुपर कंप्यूटिंग में काम करता है और दूसरे तिमाही के नतीजे बहुत ही बढ़िया आ गए थे। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी, इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है। तो मेरा तो कहना है कि अगर ये 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम इसमें स्पेंड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। करीबन मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। FY25 इनके लिए काफी अच्छा साल साबित होगा। ठीक है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज को लेकर ये व्यू, आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे, चंडीगढ़ चलेंगे और वहां से आशीष हमारे साथ हैं। आशीष बताइए कौन सा शेयर आपके पास है और क्या सलाह चाहिए? जी हैप्पी न्यू ईयर, मेरे पास उज्जीवन स्मॉल बैंक है एंड 50 रुपए आपको भी सर लिया था मैंने, 500 शेयर 50 रुपए के भाव से, 50 के भाव से 500 शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आज हम जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ठीक ठाक तेजी भी देख रहे हैं, चेक करना होगा इसको जरा एक बार कि कहीं रिवर्सल तो नहीं आ गया, इसको चेक करते हैं। हालांकि जो आंकड़े आए हैं वहां पर एनपीए में सुधार का अपडेट इन्होंने दिया है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जी, 4% ऊपर है फिलहाल ये शेयर। इस पर अविनाश जी आपका ही व्यू चाहेंगे, क्या सलाह आप देंगे? इनके भाव से तो हमें ये शेयर थोड़ा सा ऊपर ही दिख रहा है, क्या निवेशित रहे इसमें? नहीं अभी तो फिलहाल इनका जो बिजनेस अपडेट आ गया है अभिषेक, उससे तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट डिसबर्समेंट्स ऑलमोस्ट 40-50% से बढ़े हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है कि जैसे सारे बैंक्स अभी फेस कर रहे हैं कि कासा डिपॉजिट्स ज्यादा बढ़ नहीं रहे। इनका भी कासा दिसंबर के क्वार्टर के बाद थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से अगर ये 6-12 months का नजरिया लेते हैं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मर्जर अभी लाइंड अप है। ये मर्जर होता है तो इसके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेजेस और पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन 65-70 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तब तक मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद जो कमेंट्री आएगी Q3 के बाद, उसके बाद हम फ्रेश रिव्यू ले सकते। ओके ठीक है, तो यह है सलाह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और पुणे से अगले दर्शक को जोड़ेंगे, संदीप हमारे साथ हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग, आपके पास कौन सा शेयर है सर और क्या सलाह चाहिए? सर मैंने ईके एनर्जी के 45 शेयर ले चुके हैं, कम से कम 1000 रुपए से लिया है, 1 साल हुआ है, तो इसमें क्या करने का? 1000 रुपए आपने ईके एनर्जी, संदीप जी आपने किसी की सलाह पर यह शेयर लिया था या फिर आपने खुद रिसर्च किया या फिर कहीं कोई व्हाट्सएप पर कहीं कोई आपको कोई टिप आई, कैसे आपने लिया शेयर ये? सर मैंने खुद से ये किया था, खुद लिया था, तभी मैं बिगनर था, अभी ले रहा था तो रेट भी अच्छे चल रहे थे, इसके लिए लिया था सर। तो कुछ आपने देखा था इसमें स्पेशल, आपको ऐसा क्या दिखा था कि आपको ऐसा क्या नजर आया था? वो मैंने यही देखा था सर, 1 साल में ज्यादा ये शेयर किधर से किधर चला गया था, तो इसके लिए लिया था सर। तो गिरा ही होगा 1 साल में तो? हाँ सर। आपने जब लिया होगा तो उसके पहले तो गिर ही रहा था शेयर ये? मैंने बीच में लिया था सर। देखिए यही गड़बड़ी होती है, एवरेज क्या? ठीक है, ईकेआई एनर्जी कहते हैं ना कि ये जो शेयर है ये वो गिरती हुई जो छुरी जो होती है, फॉलिंग नाइफ, वो साबित हुआ है। इसका भाव अगर आप थोड़ा सा लंबा दिखा पाएंगे तो 3000 रुपये के आसपास तक का भाव था सिर्फ 2 साल पहले तक, और उसके बाद गिर के ये अब 400 रुपये, 425 रुपये के आसपास का रह गया है। ईकेआई एनर्जी बहुत अच्छी खबरें इसको लेकर नहीं आई हैं, उत्साहजनक नहीं आया है, मतलब
प्रॉफिट को लेकर हिट हुआ है, फाइनेंशियल्स थोड़े से बहुत प्रभावित हुए हैं, और जो बुरी चीज़ें हुई हैं ना वो शेयर के भाव में रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो बाउंस बैक की उम्मीद करना, कई बार क्या होता है ना डेड कैट बाउंस आता है। डेड कैट बाउंस मतलब कि जैसे मरी हुई बिल्ली का पूछा लिया, थोड़ा सा उछाल होगा, लेकिन अगर जब तक फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक शेयर का चलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप क्या होता है ना कि बाजार ना हो कि फिर सट्टा बाजार हो जाता है, और ये हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शकों के साथ हो। अविनाश जी, क्या सलाह होगी आपकी ईकेआई एनर्जी को लेकर? ऐसा क्या हुआ कि ये इम्प्रूवमेंट इसमें आ ही नहीं पाया शेयर में? नहीं अभिषेक, जैसे आपने कहा कि देखिए इस कंपनी का जो फॉल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, 3,000 रुपए से अभी ये 450-435 चल रहा है। इसका मेन कारण है कि देखिए इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कंपनी का होता है वो बाद में देखा गया कि ये बराबर अकाउंटिंग नहीं करती थी। और दूसरी बात देखिए, कार्बन क्रेडिट के कंसल्टेंसी के बिजनेस में ये काम करती थी, तो लोगों को लगा कि बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। लेकिन जब फाइनेंशियल नंबर्स में थोड़ी बहुत इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को डाउट आ गया, तभी उतनी ही तेजी से स्टॉक गिरा है। और जब भी ऐसा कुछ होता है कोई भी कंपनी के बारे में, तो देखिए जो बाउंस होता है ना उसके लिए बहुत समय लगता है। मार्केट में ऐसे कंपनी मैनेजमेंट्स को अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने के लिए सालों रखते हैं, तो इन्होंने तो 1,000 रुपए में लिया है। मेरी तो राय रहेगी कि इनको इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 12 से 18 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर वो चाहे तो कोई दूसरे अच्छे विकल्प में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, जैसे फेडरल बैंक है, उसके बाद अगर कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये पैसा लगाना चाहते हैं जैसे L&T है, कमिंस है। मैं समझता हूँ कि देखिए ऐसे कंपनीज में पैसा मत लगाइए जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, और दूसरी बात जहाँ पे प्रमोटर्स का कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके इश्यू है, तो इस शेयर से निकल ही जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कोई बच्ची बढ़त अगले साल डेढ़ साल में आने की अपेक्षा मुझे नहीं लग रही। ठीक है, तो कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं, और आपके खरीद भाव से भी बहुत नीचे आ चुका है ये स्टॉक, निकल जाइए, बेहतर रणनीति यही होगी, कमिंस इंडिया, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक। अब आगे चलते हैं, और जम्मू से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मैं अभिमन्यु सिंह बोल रहा हूँ जम्मू से। मेरे पास वरुण बेवरेजेस के 100 शेयर है, 1007 पे मैंने परचेज किए थे। मेरा सवाल ये है कि मैं इसको कब तक होल्ड करूं या कितना होल्ड करके रखूं, कैसी कंपनी है ये? नहीं, चुनाव तो आपको अच्छा, काफी अच्छा था, पिछला साल अगर देखें तो काफी अच्छा था कंपनी के लिए, स्टॉक में करीब करीब 90% तक की तेजी देखने को मिली थी। थोड़ा हायर लेवल्स पर आपने एंट्री ले ली है, लेकिन वहां से भी फायदे में तो है। लेकिन अंशुल, अब आपसे समझना चाहेंगे वरुण बेवरेजेस और कितना ऊपर जा सकता है यहाँ से? देखिए वरुण बेवरेजेस में एक बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ हैंडल बनी थी 20 दिसंबर को, लेकिन उसको किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, जिसकी रेंज 1173 रुपए से 1330 के बीच में रहेगी। तो स्टॉक अच्छा है, सेक्युलर बुल रन में, वीकली पे एकदम टाइट इनसाइड बार रही है, 3-4 हफ्ते और इसी रेंज में काटेगा। इसके बाद जब ब्रेकआउट बनेगा इसमें 1315 का, तो लगभग 1500-1550 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसमें 1120 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को आराम से होल्ड करना है।